नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज आपका मुद्दा है, चंडीगढ़ में सुविधाओं को तरस रहा है ऐतिहासिक कस्बा मनी माजरा, समस्याएं बनी लोगों के लिए परेशानी का केंद्र। आपको बता दें कि मनी माजरा चंडीगढ़ का ऐतिहासिक कस्बा है, इसका इतिहास 400 साल पुराना है जिसकी देखरेख महाराजा फरीदकोट के अंडर है। कस्बा मनी माजरा धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का शहर है जहां पर सभी धर्मों के लोग आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। यहां पर साल 1947 में देश के बंटवारे के मौके पर सभी ने एक दूसरे का मिलकर साथ दिया था। मनी माजरा में साल 1975 तक पंचायत थी जिसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी ने करीब 20 साल तक यहां पर काम किया। उसके बाद साल 1996 से लेकर अब तक करीब 25 साल से यहां पर नगर निगम कार्य करवा रही है। नगर निगम बनने पर मनी माजरा की महंगी जमीन को बेचकर कई साल तक नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी दी जाती रही, लेकिन 25 साल में भी मनी माजरा में कोई खास विकास नहीं हुआ है। मनी माजरा में सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिला। यहां पर नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपए लगाकर पानी की पाइपलाइन बदलवाने के आज भी कई मोहल्ले के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बिजली की 50 साल पुरानी तारें किसी ने नहीं बदलवाई। इस दौरान गर्मियों में तार ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से तारों में आग लग जाती है। यहाँ पर सीवरेज पानी की पाइपलाइन के मरम्मत के नाम पर सड़कों में गड्ढे हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। यहाँ पर वहीं मनी माजरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। तो वहीं मनी माजरा के बदहाल व्यवस्था को लेकर इसी मुद्दे पर आज की चर्चा होगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एडिटर इन चीफ आईटीवी ग्रुप के अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद अभिषेक। मेरे साथ में मनी माजरा के पूर्व पार्षद, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर काला जी है। मेरे साथ में मौजूदा नगर निगम के उप महापौर और पार्षद जट्टा जग्गा जी हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रभारी क्षेत्र के चितरंजन चंचल जी हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। और चर्चा इसलिए क्योंकि करीब 600 साल पुराना इतिहास है मनी माजरा का। 400 साल हो गए मनी माजरा का किला बने और तमाम सारी चीजें इतने के बाद में, जब चंडीगढ़ बन रहा था तब कहा जाता था कि इधर चंडीगढ़, जहां आज चंडीगढ़ का क्षेत्र है, जहां सेक्टर्स है, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कहते थे आओ शहर चले, और शहर किसे कहते थे, मनी माजरा को कहते थे। तो जो शहर कहलाता था वो आज गांव से भी बदतर है। वहां समस्याओं की बिल्कुल भरमार है, इतनी भरमार है कि जिसको लेकर के जो चंडीगढ़ में आज एकमात्र ऐतिहासिकता बची है वो है मनी माजरा। और उस मनी माजरा में पिछले 50 सालों के में जो जो चीजें होनी चाहिए थी, बदली जानी चाहिए थी, की जानी चाहिए थी, कुछ चीजें हुई कुछ नहीं हुई, ऐसा नहीं कहेंगे, तमाम सारी चीजें की गई, तमाम समस्याएं थी उनका समाधान भी हुआ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं और खड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले चितरंजन चंचल के पास जाना चाहूंगा। चंचल जी, आप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी हर जगह शोर मचाती है, तमाम सारे हल्ला करती है, तो आखिर क्यों नहीं यहाँ की समस्याओं को लेकर के आपने कोई लड़ाई लड़ी, क्यों नहीं आपने इसके लिए कुछ किया? आप यहाँ पर सक्रिय हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, दूसरे में थे, तो क्यों नहीं आपने इसकी लड़ाई लड़ी? आज जो समस्याएं खड़ी हैं यहाँ की, उनसे क्यों नहीं निजात दिलाया? जी चंचल, सबसे पहले तो मैं अजय शुक्ला जी और एडिया न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मनी माजरा की समस्याओं को लेकर उसके लिए सोचा। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि हो सकता है इसी को देखकर हमारा प्रशासन जाग जाए या नगर निगम के जो यहाँ पे पार्षद हैं या पूर्व पार्षद रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करवाई, उनको इस डिबेट में से कुछ ना कुछ ऐसा मिले कि वो मनी माजरा का सुधार हो सके। शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो आपने बोला है कि पिछले 50 साल से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्रीफ करके बताऊंगा कि 1975 तक यहाँ पे पंचायत थी। पंचायत का काम आज से बढ़िया था।
और इतिहास हमारे एंकर बता चुके हैं, आप समस्या बताइए। उससे पहले यहाँ पे मणि माजरा का जो काम था पंचायत के समय में आज से बढ़िया था, क्योंकि उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी, यहाँ से पैसे कमा कर कारपोरेशन चलाई गई चंडीगढ़ की। और मणि माजरा में पिछले 25 साल से कारपोरेशन बनी है, जिसमें 5 साल पिछले यहाँ पे मेरे भाई जग्गा जी पार्षद रहे हैं और 20 साल में से 15 साल काला जी रहे हैं। इन्होंने यहाँ के समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोग आज भी इस जमाने में 21वीं सदी में गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं और यहाँ पे डायरिया के केस सबसे ज्यादा जा रहे हैं। इनकी नाकामियों की वजह से जो 40 साल पुरानी यहाँ पे सीवरेज की लाइनें बिछी हैं वो ही आज है। चाहे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मामला ले लो, सफाई का ले लो, ना यहाँ पे कोई बैंकट हॉल बनाया गया आज तक, ना कोई कॉलेज की जो जरूरत है वो हुई है। मैं काला जी के पास जाना चाहूंगा। काला जी, यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा है, एक समस्या नहीं है। आपके पास बाद में आऊंगा काला जी। मैं आपके ऊपर आरोप है कि आप लंबे समय तक टीम से रहे और यहाँ पर सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रहे और कांग्रेस की तरफ से है। आज आप इन सारे के बाद में आपने इतना समय यहाँ पर गुजारा है, तमाम सारी समस्याएं खड़ी हैं, क्या आपने किया क्या नहीं किया इसको लेकर के कि क्यों आज इतनी समस्याएं हैं? यदि आपने किया था तो इतनी समस्याएं क्यों खड़ी? जी काला जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी जब मैं काउंसलर 1996 में पहली दफा बना, उस टाइम मणि माजरे की बहुत दुर्दशा थी। बाजार में नालियां थी, सेंटर में नालियां थी, मोरीगेट मोहल्ले में कोई बंदा जा नहीं सकता था। मणि माजरे की इतनी दुर्दशा थी ना, भी देखकर कोई बंदा रिश्तेदार आने को भी तैयार नहीं होता था यहाँ मणि माजरे में। जब मैं पहली दफा काउंसलर बना, उस टाइम बीजेपी के 16 काउंसलर थे, 3 हम थे, 1 कमलेश थी राम दरबार की कांग्रेस की। तो उस टाइम बीजेपी की पूरी मेजोरिटी थी, कमला शर्मा जी उस टाइम मेयर बनी पहले साल। तो हमने वहां पूरा मणि माजरे का जोर लगाया, भी मणि माजरे का बहुत बुरा हाल है, इन्होंने हमारी नहीं सुनी बिल्कुल भी। हम सिर्फ 3 थे धमन साहब के साथ। तो उसके बाद मैं विनोद शर्मा जी को मिला, उस टाइम विनोद शर्मा जी ने मुझे अपनी हिम्मत दही, कहता भी कार मैं उनको जाकर रो, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा जी भाई साहब, ये 16 बीजेपी वाले हैं, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा। तो फिर उन्होंने मुझे गवर्नर साहब से मिलाया, फिर मैंने 3 बारी मणि माजरे में गवर्नर साहब को लेकर आया, 3 विजिट करवाई मणि माजरे में गवर्नर साहब की। तो उन्होंने आकर देखा, कहता भी तारा वाकई नरक है, मणि माजरे का इतना बुरा हाल है। तो उन्होंने फिर उसी टाइम ऑर्डर करा, उस टाइम गढ़वाल साहब हमारे कमिश्नर होते थे, उन्होंने उनको ऑर्डर करता भी इतना बुरा हाल है मणि माजरे का। तो उन्होंने फिर 1 महीने में मेरा काम मणि माजरे का गलियों का चालू करवाया था। टोटल मणि माजरे की कंक्रीट गलियां मैंने बनवाई, टोटल जितनी भी मणि माजरे की कंक्रीट गलियां बनवाई। तो उससे बाद लैट्रिन का काम करवाया, सड़कों का काम करवाया, सारा कुछ कराया। उससे बाद मणि माजरे में खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं था बच्चों के लिए, इतना बड़ा शहर मणि माजरा कस्बा था। तो मैंने बड़ा जोर लगाकर, बड़ी हिम्मत मारकर वो ग्राउंड बनाया बच्चों खेलने के लिए। तो मणि माजरे बस स्टैंड का बहुत बुरा हाल था, कोई लोग वहां खड़े नहीं हो सकता, लोकल बस स्टैंड में कोई सेट नहीं था, वो सेट बनवाया। इंदिरा कॉलोनी के लिए जो मनसा देवी रोड जाती है, इंदिरा कॉलोनी के लिए बाईपास बनवाया, बाईपास बन जाएगा, मणि माजरे ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो उससे बाद जो हमारे जग्गा जी बने हैं यहाँ पिछले 5 साल में मणि माजरे में, तो मैं जग्गा जी के पास जाऊंगा काला जी एक मिनट, मैं जग्गा जी के पास जाऊंगा। जग्गा जी, जिस तरीके से काला जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने सिनेमा में इतना काम किया, जहाँ नरक हुआ करता था मणि माजरा, उससे उन्होंने इतना सारा विकास की चीजें दी, सड़कें दी, गलियां दी, रोड बनिया दी, पानी की निकासी का सिस्टम दिया, सड़क बनवाई, ये सारी चीजें कही, फिर आखिर समस्या क्यों खड़ी है? क्योंकि 5 साल से तो आप ही हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये स्थितियां क्यों खड़ी है और क्यों उनका समाधान नहीं हो पाया? क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो चुका था तो दूसरी चीजें सुधारनी थी, उसी दिशा में क्या काम किया? जी जग्गा जी। भाई साहब नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही काला जी ने बताया कि जब वो पहली दफा पार्षद बने, उसके बाद उन्होंने बहुत काम करवाया। मेरे को शायद लगता है कि उससे पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी थी या सरपंच थे, जो भी सिस्टम था, इसका मतलब उनसे पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ था, ना ही लोगों ने किया होगा। जैसे इनके आने के बाद ही सारा वो नरक से स्वर्ग में तब्दील हो गया, कहने का मतलब ये था। लेकिन कोई भी पार्षद जो चुन के आता है वो अपनी समझ के अनुसार उतने काम करवाने की कोशिश करता है कि ज्यादा ज्यादा उसने दोबारा वोटर के पास जाना होता है कि ज्यादा ज्यादा लोगों के काम अच्छे तरीके से करा सके। अगर काला जी ने ये सारे काम करवाए होते और जब सबसे लंबे समय 15 साल ये पार्षद रहे हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन
अगर ये सारे काम 15 साल टीन में हुए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्यों थी, गंदा पानी क्यों आया? मेरे को पता है 1972 की जो लाइन थी, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, वो मैंने पीछे 1,33,00,000 जद्दाजी शिकायत करने से पहले एक चीज सोचिए, पिछला आपका 5 साल होने जा रहा है, आप बताइए इस 5 साल में गंदे पानी की समस्या क्यों नहीं आपने दूर करी? गंदे पानी की समस्या वो नहीं सही कर गए थे, इसीलिए तो कांग्रेस हारी है। बिल्कुल, और आपको ये बता दूं कि आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि गंदे पानी की जो समस्या थी, पीछे 50% बनी माजरे के अंदर लाइनें चेंज हो चुकी हैं और 2,33,00,000 का पिछली मीटिंग में पास हो गया और टेंडर लगने वाला है शायद 15-20 दिन में, बाकी बनी मारा टोटल और स्मार्ट सिटी के अंदर टोटल 162 करोड़ से बनी मारे में 24x60 टाइम पानी आने वाला है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात बताई जद्दा जी ने कि उन्होंने तमाम सारी चीजें करी। मैं चित्रंजन चंचल के पास जाना चाहूंगा, आप मुझे पॉइंट वाइज समस्याएं बताइए कि क्या समस्याएं अभी खड़ी है और किनका समाधान नहीं हुआ या राजनीति नहीं करनी है। जी शुक्ला जी, ये जो पानी की पाइपों वाली बात कर रहे हैं, अगर ये पानी की पाइपें डाल देते हैं और स्मार्ट सिटी के नाम पे तिगने बिल देकर लूट रहे हैं लोगों को, तो पानी तो 1 घंटा भी नहीं आ रहा है, 2-3 दिन से पीछे भी परेशान है लोग यहाँ पे। आप शहर में किसी को पूछ लिए कहीं भी जाके, मतलब ये बातों में और कागजों में चल रहा है सारा कुछ। और यहाँ पे एक बहुत सारी समस्या जो 35-40 साल से चली आ रही है, 25 साल से ये रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है नक्शे की। शुक्ला जी, मणिमारा सारा बना हुआ है, नक्शे पास वहां होने चाहिए जहाँ प्लाट होते हैं। इन्होंने 2-2 मरले के नक्शे पास कराने पड़ते हैं। ये कहते हैं आगे जगह छोड़ो 10 फुट 10 फुट पीछे छोड़ो, एक किचन बनती है सिर्फ उसमें। मणिमारा की कई समस्या ऐसी हैं जो जिनका इनको अच्छी बड़ी भांति पता है, ये सही नहीं करवाना चाहते उसको। इन्होंने NOC के लिए, मान लो आज किसी ने पैसे देके कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, या खुदा ना करे किसी का घर में किसी की डेथ होगी, उसके नाम पे प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, तो इतना बड़ा घपला है, इतना बड़ा घपला है शुक्ला जी, अपने नाम प्रॉपर्टी अपनी करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। ये पार्षद चुप बैठे यहाँ पे, और पुराने जो पार्षद है उन्होंने 15 साल में बता दें अपना कि उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि बता दें शहर के लिए कुछ दिया हो। काला जी 15 साल पार्षद रहे हैं। साला जी ने तमाम सारी समस्याओं की बात बताई। ये जो शुक्ला जी, एक मिनट और लेना चाहूंगा, और नगर निगम यहाँ जो ये कह रहे हैं ना, सड़कें बनवाई है, पानी दिया है, अगर ये काला जी पार्षद ना होते या जग्गा जी ना होते, ये तब भी मिलती, ये सड़कें तब भी मिलती अगर ये पार्षद ना होते। सरपंच भी काम करता है, खाली मोहरे लगा के हम पार्षद बन के यहाँ पे शहर की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सवाल दूसरे से पूछ रहा है काला जी, जिस तरह की समस्याएं, नहीं सुन लीजिए, आपके ऊपर जग्गा जी ने भी कहा, चित्रंजन जी ने भी कहा, तमाम समस्याएं गिनाई है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से समस्याएं खड़ी हैं, उन समस्याओं के कारण आज पूरा झेलना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं आपने अपने समय में इन चीजों को सही कराया, और यदि कराया था तो अब यह हालत क्यों हो गई? जी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये अपनी उपलब्धि बताएं, इन्होंने अपने टाइम में एक भी काम किया हो, NOC की पैसी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नहर का पानी मणिमाजरे में ले आया मैं, मणिमाजरे में पहले ट्यूबवेल थे जी सिर्फ, तो ट्यूबवेल से पानी मिलता है, नहर का पानी है, पानी लेकर आते हैं, तो मैं नहीं होते काम करना चाहिए उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं काउंसलर था तो मणिमाजरे में पहली चरण में तो इस पर मणिमाजरे का बहुत बुरा हाल था, कोई पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। नहर का पानी जब पहली दफा चंडीगढ़ में आया तो उसके बाद मैंने जोर लगाकर मणिमाजरे नहर का पानी चालू करवाया, सारे मणिमाजरे को पता है। दूसरी बात, आप मणिमाजरे अपने बंदे भेजकर, अपना मीडिया भेजकर देख लो भी मणिमाजरे में, पूछो आकर लोगों से भी मणिमाजरे की क्या पोजीशन थी, उसके बाद क्या पोजीशन हुई। मैंने टोटल मणिमाजरे का काम कराया, तो मुझे ये एक बात बता दें, जो ये बोल रहे हैं भी काम नहीं कराया, आप मणिमारे की कौन सी मर्जी गलियां बढ़ के जाके पूछ लो, पक्की गलियां बनवाई थी, इनसे मरम्मत भी नहीं हो सकती है कि मरम्मत भी करा दें, गली के पैच वर्क ही करवा दें, इन्होंने एक पैच वर्क भी नहीं करवाया। तो दूसरी बात, मणिमारे में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, इन्होंने जो मैंने ग्राउंड बनवाया था, इतनी मेहनत करके वहां ये पानी का टैंकर बना रहे हैं, वहां इतना पैसा लगाया जग्गा जी ने, ग्राउंड वहां पानी का बुरस्टर बनाने का प्रोग्राम रखा है,
वो बिल्कुल गलत है बच्चों का मनी मार्च में खेलने के लिए, एक भी ग्राउंड नहीं है इतने बड़े मनी मार्च में। एक साइड कहते हैं कि पानी नहीं आता और दूसरी बात मनी मारे में जब मैं को एनओसी का जो मनी मारे में एनओसी लेनी होती थी उससे पहले मनी मारे में बहुत बुरा हाल था। उसके बाद मैं कमिश्नर साहब की यहाँ परमानेंट ड्यूटी लगवाई, लोगों की पांच पांच साल रुके हुई एनओसी तो आई है, मेरे पास गुआव है मणि मारे में आगे आप पूछ सकते हैं। काला जी ने एनओसी का भी कराया, पानी का भी कराया, दूसरी चीजें भी कराई, स्टेडियम भी दिलाया, लेकिन आप बच्चों के खेलने की चीज क्यों खत्म कर रहे हैं? आप दूसरी सुविधाएं जो देनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा देनी चाहिए थी, उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सड़कों और दूसरी चीजों की मरम्मत करने का था वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और आज खड़ी माफिया पूरी तरीके से मनी माजरा में सक्रिय है, उसे क्यों नहीं रोक रहे? जड्डा जी, ऐसे है कि जब हम बोलते हैं ना कि हमने एक ग्राउंड बनवाया, तो मैं कहता हूँ कि हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया बच्चों के लिए। कि वो आपने नहीं दिया, वो आपने नहीं दिया, वो मेरी मेरी हिम्मत थी, वो आपने नहीं दिया। सड़क पे मैंने इंडिया ग्राउंड की मैंने लगवा ली, जो पाइप कॉम्प्लेक्स किरण खेर जी ने दिया, किरण खेर जी ने दिया। आप किरण खेर जी ने, या किरण खेर जी ने उद्घाटन करा थे, कुछ नहीं दिया किरण खेर जी ने। सड़क पे मैंने लगवाई थी। आपके पास कोई भी सबूत आप पेश कर सकते हैं? मेरे पास सबूत है, मैं आपको दे दूंगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसी ने भी दिया हो, लेकिन आज वो उसकी टूटी दीवारें पड़ी है, वहां कोई कोच नहीं आता, वो एक सफेद हाथी पाल रखा है शहर ने। समय रहते रहते जो भी पार्षद होता है वो अपने हिसाब से काम करता है, और उस हिसाब से वो अपने अफसरों से लेकर अपने एमपी तक जो काम होने होते हैं करवाते हैं। लेकिन मेरे को इतना पता है कि चंडीगढ़ 24 घंटे पानी सप्लाई का जो सिस्टम था वो चंडीगढ़ में पहले दिया जा रहा था। मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि एक घंटा पानी नहीं आ रहा, लेकिन जब हम 24 घंटे देने जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनके टाइम में अगर ये काम इनके टाइम किए होते ना तो आज ये परेशानी ना होती। आज के टाइम ये परेशानी ना आती, जो अगर इन लोगों ने टाइम टू टाइम लाइनें चेंज करवाई होती, मैंने बेटा उठाया लाइनें चेंज करवाई। दूसरी बात, अंडर ट्रायल भी मनी मारे से होता है पानी का, और ट्रायल ऐसा हो गया, दो घंटे से दो घंटे लगे आपके पूरे ट्रायल है आपका। आप शांत रहिए, जवाब देने दीजिए। ऐसे है, जो टूटी गलियां हैं इनको पूछो टूटी क्यों है, जब लाइनें डाली गई तो टूटी, अब 4 करोड़ के लगभग चलो ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है, कौन सच है कौन झूठा सब पता लग जाएगा। मणि मार्ग में कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर आज तक यहाँ इन्होंने बैठाने की जहमत नहीं की। पहले जिस टॉपिक पे बात चल रही है उस टॉपिक को सुनिए, चंचल जी यहाँ पे इतनी करप्शन हो रही है, लोग जानते हैं कहते चंडीगढ़ फैल गई हुई है समस्या, हमें दुख है, हम इसलिए बोलते हैं हमें दुख है, शहर गर्त में डाल दिया आप दोनों ने, आप उन्होंने शहर की समस्या को कोई उसके ध्यान नहीं दिया। आपने आपकी राजनीति चमकाने की जगह नहीं है, आप बताइए इसका समाधान कैसे होगा। भाई जान मैं आपको बता रहा हूँ, मणि मारने में जब एनएसी बनी उसके बाद कारपोरेशन बनी तो हम यहाँ कमीशन की परमानेंट ड्यूटी लगा के रखी, लोगों को एनएसी मिलती रही, टैक्स माफ कराए, 4 मल्ले से नीचे जो मकान थे उसका हाउस टैक्स माफ करवाया, जो बादरे थे उसको उसको तोड़ने नहीं दिया, पब्लिक ने मुद्दा उठाया था उस टाइम, वो बादरे भी रोक के जो पुराने मकान थे। खड़ी माफिया सक्रिय है, खड़ी माफिया को किसका संरक्षण है जी?
फड़ी माफिया, फड़ी माफिया सक्रिय है वहाँ, उसको किसका संरक्षण है? फड़ियां लग रही है और दूसरी चीजें हो रही है जो है। ये तो मारा जो मौजूदा कौशल का पूछो जो कैसे करा रहे हैं, इतनी फड़ियां इतनी रेडियां लग रही हैं, इतना इतना करा रहे हैं, इनको पता होगा ना हमारे क्या कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वो रातों रात नहीं आए, जब उन्हें कोई फलाने जाता है जब ही आ जाते हैं, काला जी का बंदा है 15 साल से खड़ा है, फलाने का बंदा है 20 साल से खड़ा, अब कौन आगे उठाने वाले इन लोगों के संरक्षण हाथ में आ गया मेरे को 15 साल हुए हैं। ये सारी उठा दी गई थी और आपको भी पता कि कोरोना की वजह से इनको दोबारा ये कुछ लोग प्रवासी चले गए थे, सभी सभी यही बैठे हैं, आप वहाँ पे जाके स्वागत करवाते हो। अगर आप चाहते हैं आप वहाँ पे अपना वेलकम करवाते हो, हमने बाहर लोगों को आने जाने बंद कर दिया, मैं साथ चल के उनको उठवाता हूँ। हम किसी के व्यापार के विरोधी नहीं है, हमें सही जगह पे बैठा है। आप जवाब दे दीजिए, जो पासवर्ड था दूसरी चीजें वो कब से शुरू होंगी, कब ये समस्याएं जो तारों के गुस्से हो रहे हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कब आप एड्रेस करेंगे समस्याओं को और कब समाधान दिलाएंगे? ऐसे है कि भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गलियों का काम था वो मेरा शुरू हो गया है, ठाकुर द्वारे में काम लग चुका है और पूरी मणिमाजरे की गलियों के 4 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं और कुछ दिनों में काम स्टार्ट हो जाएगा। कहां हो जाएगा? जगह जी आपने टेंडर लगवाई थी, मैंने टेंडर लगवा रहा जो उसमें आप बोल रहे हो आज वो टेंडर आप लगवा रहे हैं। ये तो आप घर में बैठ के अपने काम कर लोगे, ये बात है कि उसने लगवाई मैंने नहीं लगवाई। आप ये बताइए जगह जी, आपकी टेंडर जो लग रही थी वो खुदाई करके नहीं लग रही, अब खुदाई करने के बाद लग रही है। आप एक अगर इन लोगों ने काम राजकोट का यहाँ गुरुद्वारा है, सारी चीजें हैं, ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं आप सब मिलकर के इन समस्याओं का समाधान करने की बजाय हॉस्पिटल में बीमारी के अपने शहर के प्रति सभी कैंटीन नहीं है। जग्गा जी आपका धन्यवाद, काला जी आपका धन्यवाद, चंचल आपका धन्यवाद और सब लोग आए धन्यवाद।